साथ ही मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत का खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। और खबर दुनिया में हम नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर छोटी बड़ी खबर पर जो आपसे सरोकार रखती है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कोलंबो में श्रीलंका के नेतृत्व से मुलाकातें। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का किया शुभारंभ। भारत के सौजन्य से निर्मित 154 आवासों को भी किया हस्तांतरित। द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने की जताई गई प्रतिबद्धता। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व भर में योग से जुड़े कार्यक्रम पश्चिम एशियाई देशों से लेकर यूरोप तक देखा जा रहा है खूब उत्साह। विशेष योग सत्रों में लोग बढ़ चढ़कर हो रहे हैं शामिल। भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी उत्साहित। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के वियतनाम दौरे के बीच बड़े द्विपक्षीय समझौते। वियतनाम को लंबी अवधि के लिए प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन आपूर्ति करेगा रूस। दोनों देशों ने 12 सहमति पत्रों का किया आदान प्रदान। कई और क्षेत्रों में सहयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। ब्रिटेन में नहीं थम रहा अवैध प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला। एक दिन में छोटी नावों में सवार होकर ब्रिटेन में दाखिल हुए 800 से अधिक शरणार्थी। चुनाव में भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा गरमाया। फिर चर्चा में आई सुनक सरकार की रवांडा निर्वासन नीति। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं एशिया के आईने के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की है और भारत के 60 लाख डॉलर की मदद से बनाए गए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के संयुक्त रूप से अनावरण भी किया। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे ने दो पड़ोसियों के भरोसे और दोस्ती को फिर से रेखांकित किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं और पहलों में हुई प्रगति को भी सराहा गया। इस दौरान बिजली, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बंदरगाह बुनियादी ढांचे, विमानन, डिजिटल, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों में विशेष रूप से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों के स्थिर विकास के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में भारत के सौजन्य से निर्मित 154 आवासों को भी हस्तांतरित किया गया। ये पहल श्रीलंका के विकास में भागीदारी की भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने विकास और कनेक्टिविटी पहल के माध्यम से भारत के मजबूत समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि भारत की विकास सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम श्रीलंका के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते रहेंगे।
भारतीय विदेश मंत्री कोलंबो में अपने श्रीलंका के समकक्ष अली साबरी से भी मिले। दोनों की बातचीत में क्षमता निर्माण और साझा सहभागिता के क्षेत्र में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विशेष रूप से बिम्स्टेक, IORA और संयुक्त राष्ट्र में व्यापक बहुपक्षीय सहयोग के दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री जयशंकर श्रीलंका में नेता विपक्ष सजित प्रेमदासा से भी मिले। विदेश मंत्री ने इस बात को सराहा के मजबूत भारत श्रीलंका संबंधों के लिए दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी ने एक आवाज में बात की है। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत श्रीलंका द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने इस संदर्भ में उनके निरंतर समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने दौरे के दौरान भारतीय मूल के तमिलों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय मूल के तमिलों को लेकर भारत की विकास साझेदारी और आगे के सहयोग पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर का यह दौरा भारत श्रीलंका रिश्तों में लगातार आ रही मजबूती को दिखाने वाला है। पिछले दिनों आए भयानक आर्थिक संकट के समय भारत ने न केवल अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया बल्कि उसके विकास के लिए अपने सहयोग को और तेज किया। दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग का ऐसा संबंध है जो समय की कसौटी पर खरा उतरता रहा है। खबर दुनिया में आगे बढ़ते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वियतनाम दौरे में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पुतिन के दौरे के दौरान रूस और वियतनाम ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच 12 सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। जिन क्षेत्रों में समझौता हुआ उनमें वियतनाम को लंबी अवधि के लिए प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन आपूर्ति भी शामिल है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है। कुछ समय पहले तक योग सिर्फ भारत में ही था लेकिन अब यह भारत से निकलकर दुनिया के कई देशों में पहुंच गया है। हांगकांग में योग सिखाने वाला अनूठा केंद्र कोई सामान्य योग प्रशिक्षण नहीं दे रहा। यहाँ योगाभ्यास से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा मिला है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारी खास रिपोर्ट। हांगकांग में हो रहा ये योग अभ्यास कोई सामान्य योग प्रशिक्षण नहीं है। इसमें शामिल बहुत से लोग न केवल दर्द बल्कि कैंसर जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित रहे हैं। इन्हें एक स्थानीय अस्पताल ने योग के लिए यहाँ रेफर किया है। मार्गरेट यंग को 2018 में स्तन कैंसर का पता चला था। कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद उन्हें इससे छुटकारा मिला। सर्जरी के बाद मेरे लिए अपने बाजुओं को उठाना भी मुश्किल था। कामकाज तो और भी कठिन था। मुझे पता चला कि योग से मुझे मदद मिल सकती है। मैं मेहनत कर रही हूँ और जल्द ही बेहतर परिणाम हासिल करने का प्रयत्न कर रही हूँ। भारत से निकला योग आज दुनिया भर में फैल चुका है। हांगकांग में भी योग बेहद लोकप्रिय है। योग प्रशिक्षक योगानंद अंदियप्पन एक प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। वो एक NGO भी चलाते हैं जिसका लक्ष्य सबको योग से जोड़ना है। इस काम के लिए वो निःशुल्क शिविर संचालित करते हैं। हम बुजुर्ग रोगियों, दर्द के रोगियों, स्ट्रोक के रोगियों, व्हीलचेयर के रोगियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए योग को चिकित्सा के रूप में पहुंचा रहे हैं। योग प्रशिक्षण का ये शिविर कम आय वाले लोगों को मुफ्त योग शिक्षा देने का अच्छा माध्यम सिद्ध हुआ है। इसमें हिस्सा लेने वालों की मासिक आय $640 से कम होती है। यहाँ अधिकतर वो विदेशी हैं जो यहाँ घरों में कामकाज करते हैं। मैं जिन बुजुर्गों के घर काम करती हूँ वो चल नहीं सकते, उनकी मदद के लिए हमें बहुत चुस्त दुरुस्त रहने की जरूरत है। इसमें योग ने मेरी बहुत मदद की है। इससे मुझे नई ऊर्जा का संचार होता है। योग इन लोगों के लिए केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं लाता बल्कि मानसिक शांति का भी कारण बनता है। हम अपने परिवार से दूर हैं, इसीलिए कभी कभी हमें घर की याद आती है और जब हमें घर की याद आती है तो योग हमारा बहुत साथ देता है। योग करने से आपको अपना अकेलापन महसूस नहीं होता। योग के बारे में दुनिया भर में जागरूकता भी बढ़ रही है और रुचि भी। आज भारत के बाहर लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। योग का लाभ आज पूरा विश्व उठा रहा है और इसका कायल हो रहा है।
भारत के साथ साथ पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है। इस साल योग दिवस की थीम स्वयं और समाज के लिए योग रखी गई है। विश्व भर में योग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष योग सत्रों में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। बात भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय लोगों की हो तो यहाँ पर योग शिविरों में अपनी उपस्थिति देने के लिए स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है। विभिन्न देशों में इससे जुड़े आयोजनों का सिलसिला लगातार जारी है। कतर की राजधानी दोहा में योग पर आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और बच्चों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। नोबेल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने योग में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आयरलैंड में योग से जुड़े कार्यक्रम को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। डबलिन स्थित भारतीय दूतावास में हुए योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग किया। इस अवसर पर भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश की गूंज सुनी गई। बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन थॉट प्रोसेस इन जनरल इज दैट इट अप्रोचेस द लाइफ द वर्ल्ड द एग्जिस्टेंस इन अ होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मैनर। Not looking at a simplistic, segmented, compartmentalized approach. Because in real life, understanding of a part or a limb does not reveal the full understanding of the whole body. लंदन के योग प्रेमी और उत्साही लोग योग का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस योग सत्र में शामिल लोगों में योग को लेकर खूब जोश देखा गया। नीदरलैंड्स में भी लोग योग को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अल्मेरे शहर में हुए योग सत्र में लोग शामिल हुए। इनमें भारतीय समुदाय के सदस्य ही नहीं, स्थानीय नागरिक भी शामिल थे। बेल्जियम के लोग भी योग को लेकर कम उत्साहित नहीं हैं। ब्रुसेल्स में हुए एक योग सत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और योग अभ्यास कर योग के स्वास्थ्य लाभ और जीवन में इसके महत्व के बारे में समझा। स्लोवाकिया में भारतीय उच्चायोग द्वारा योग सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में योग उत्साहियों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया। माल्टा में भारतीय उच्चायोग द्वारा वैलेटा के प्रतिष्ठित अपर बराका गार्डन में योग सत्र का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में योग उत्साहियों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया। योग को लेकर यही उत्साह अमरीका में भी है। वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास ने विशेष योग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में हिस्सा लेने वाले योग प्रेमी उत्साह और उल्लास से भरे हुए दिखाई दिए। बैंकॉक के चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय में भी योग का विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस आयोजन में सहभागियों को भारत से उत्पन्न हुई स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान योग का अभ्यास कराते हुए इसके लाभों से अवगत कराया गया। और अब वक्त है यूरोप इन दिनों से जुड़ी खबरों पर नजर डालने का। ब्रिटेन में आम चुनाव 4 जुलाई को होंगे। इसको लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। ब्रिटेन में इस बार चुनाव अप्रवासन का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसी को लेकर अवैध प्रवासियों पर ब्रिटेन के आंतरिक मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है। नावों को रोकना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना सुनक की सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संदर्भ में सुनक की सरकार ने सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल तैयार किया है। ब्रिटेन में चुनाव प्रचार जोरों पर है। अवैध प्रवासियों को लेकर ब्रिटेन के आंतरिक मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के बाद मंगलवार को पहला मौका था कि जब एक ही दिन में छोटी नाव के माध्यम से शरण चाहने वाले 800 से अधिक लोग ब्रिटेन पहुंचे। गृह कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार को 15 छोटी नाव में 882 लोग ब्रिटेन पहुंचे हैं। ये अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे अधिक दैनिक आंकड़ा है कि जब एक ही दिन में 1047 लोग ब्रिटेन के जल क्षेत्र में पहुंचे थे। जून में प्रवासियों के आगमन की कुल संख्या 1865 हो गई है, तो वहीं इस वर्ष अब तक 12,313 लोग ब्रिटेन पहुंच चुके हैं।
कुछ मतदाताओं के लिए चुनाव में अप्रवासन मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है। नाव को रोकना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना ऋषि सुनक की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। पिछले 12 महीनों में चैनल पार करने वाले लोगों की संख्या वास्तव में लगभग एक तिहाई कम हो गई है। ऐसा पहले नहीं हुआ है और यह दर्शाता है कि हम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में विकल्प यह है, हम इस समस्या को हमेशा के लिए कैसे हल करें, हमारे पास इसके लिए योजना मौजूद है। चुनावी सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव पार्टी से 20 अंक आगे चल रही लेबर पार्टी का कहना है कि अगर वह चुनाव में जीतते हैं तो शरणार्थियों को लेकर रवांडा नीति को रद्द कर देंगे। सेफ्टी बिल ऑफ रवांडा के तहत ब्रिटेन की सरकार हजारों अवैध प्रवासियों को रवांडा हस्तांतरित कर रही है। इनमें वे सभी अप्रवासी शामिल होंगे जो अवैध रूप से यूके में दाखिल होंगे या दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर रवांडा भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या लाखों में है, लेकिन पहली बार में तकरीबन 52,000 अवैध प्रवासी रवांडा भेजे जाएंगे और इसके लिए यूके सरकार और अफ्रीकी देश रवांडा के बीच करार हुआ है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने रवांडा बिल का विरोध होने के बाद सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल तैयार किया था और इससे पहले पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने सबसे पहले रवांडा बिल को संसद में पेश किया था, जिसका विरोध हुआ था और यूके के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी तक घोषित कर दिया था। माना जाता है कि ये योजना यूरोपीय कन्वेंशन ECHR के खिलाफ थी। सेफ्टी बिल ऑफ रवांडा पास होने के बाद ये तय हो गया है कि जो भी यूके में गलत तरीके से दाखिल होता है वह रह नहीं पाएगा। यूके में अवैध प्रवासियों की समस्या काफी पुरानी है। ऋषि सुनक सरकार का मानना है कि रवांडा बिल से यूके में अप्रवासियों का बोझ कम होगा। सबसे खास बात यह है कि इस समझौते के लिए यूके रवांडा को तकरीबन 290 मिलियन पाउंड की मदद देगा। हालांकि मानव अधिकार और शरणार्थी संगठन इसे एक अमानवीय और महंगी प्रक्रिया मानते हैं। ग्रीस में रंगमंच के माध्यम से जेल में बंद कैदियों के जीवन में नया बदलाव लाया जा रहा है। नाटकों में रुचि लेकर ये कैदी न केवल कला से जुड़े रहे हैं बल्कि भविष्य के बेहतर जीवन की तस्वीर में भी रंग भर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। थिएटर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीकों से भी इंसान का परिचय कराता है। इसी क्रम में ग्रीस के एक जेल में बंद कई कैदी इस कहावत को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। प्रोसेनियम थिएटर और दुनिया भर में मशहूर ग्रीस का रंगमंच कैदियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे नाटकों के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रीस के कोरिडालोस जेल के कैदियों ने जब प्राचीन नाटक एंटीगोन का मंचन किया तो वहां मौजूद दर्शक एक पल के लिए भूल गए कि वो किसी जेल परिसर में है। फ्लड लाइट की दुधिया रोशनी में विभिन्न किरदारों को अपने अभिनय से जीवंत बना रहे इन कलाकारों को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि ये लोग अपने अपराधों की सजा के लिए जेल में बंद हैं। यह नाटक लिखित और अलिखित कानूनों के बारे में एक कहानी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीवन में लिखित और अलिखित कानून होते हैं जिन्हें हम न तो स्वीकार कर सकते हैं और न ही उल्लंघन। कुल मिलाकर इनकी कहानी बिल्कुल हमारे जीवन की तरह है। त्रासदी पर आधारित इस नाटक के सफल मंचन के लिए 2 दर्जन से अधिक कैदी पिछले 2 महीने से लगातार रिहर्सल कर रहे थे। अलग अलग अपराधों के तहत जेल में बंद इन कैदियों ने जब नाटक के जरिए इस कहानी को मंच पर बयां करना शुरू किया तो वहां दर्शक के रूप में मौजूद उनके साथी कैदी भावुक हो उठे। खास तौर पर नाटक में खलनायक किंग क्रेओन की भूमिका निभाने वाले कलाकार बुगियोटिस ने महसूस किया कि असल जिंदगी में उन्होंने जो अपराध किया है वो कितना अमानवीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंच पर इस तरह से संवाद बोल पाऊंगा। मंच पर बिल्कुल अद्भुत अनुभव रहा। जीवन में यदि मौका मिले तो मैं इस कार्य को निरंतर करना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है जब कोरिडालोस जेल के कैदियों की ओर से किसी नाटक का मंचन किया गया हो। वर्ष 2016 में जेल प्रशासन के प्रयास से थिएटर कार्यशाला में अब तक 250 कैदी सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुके हैं। जब ये लोग कार्यशाला में आते हैं तो ये बहुत आशंकित होते हैं कि वो ऐसे कैसे कर पाएंगे।
हालांकि जैसे जैसे वे कला को समझने लगते हैं तो उनके व्यवहार में अप्रत्याशित परिवर्तन देखने को मिलती है। जेल के नीरस वातावरण के बीच हफ्तों चले नाटक का रिहर्सल कैदियों के लिए आजादी का स्वाद चखने जैसा था। नाटकों के मंचन के बाद अब कारावास में बंद कैदी अपने मजबूत पक्ष को ढूंढने की बात कर रहे हैं जो उन्हें आनंदित करता हो। नाटक के माध्यम से निर्देशक भी ये संदेश देने में सफल रहीं कि शरीर भले ही कैद हो पर मन को कैद नहीं किया जा सकता। खबर दुनिया में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे विश्व संस्कृति से जुड़ी खबरों पर। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्यूरियोसिटी कैन टेक यू टू सम आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेसेस। टुक मी टू द मून टुडे। क्यूरियस अबाउट दिस प्लेस, स्कैन दिस क्यूआर कोड Before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब भाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं नहीं भाई भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी? अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथ दर्शन, अंतर मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं, इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, और वक्त हो चला है विश्व संस्कृति से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेने का। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास कलिनिनग्राद के डोमनोवो में स्थित एक चर्च का संरक्षण किया जा रहा है। इस चर्च पर द्वितीय विश्व युद्ध की मार ने गहरे छाप छोड़े हैं। भौतिक रासायनिक अध्ययन के बाद पुनर्स्थापकों द्वारा चर्च की संरचना का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। ये चर्च पहली बार 1321 में बनाया गया था। द सेफ गार्ड्स ऑफ रुइंस आंदोलन की एक वास्तुकार याना टुर्लो 600 साल पुराने भित्ति चित्रों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही हैं। इसी क्रम में पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के पास कैलिनग्राद के डोमनोवो में स्थित एक चर्च का संरक्षण किया जा रहा है। इस चर्च पर द्वितीय विश्व युद्ध की मार ने गहरी छाप छोड़ी है। अब इस इमारत का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लगभग एक दशक पहले इसे स्थानीय सूचीबद्ध संरचना के रूप में मान्यता देने के बावजूद अब तक इस चर्च को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, लेकिन अब इस ऐतिहासिक चर्च की मरम्मत के साथ संरक्षण का काम किया जा रहा है। भौतिक रासायनिक अध्ययन के बाद पुनर्स्थापकों के द्वारा चर्च की संरचना का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। स्वयंसेवकों ने आसपास की जमीन से मलबा साफ किया, कई संरचनाओं को मजबूत किया गया और टूटी हुई खिड़कियां
बदल दी गई। हम रूसी मठों के मामलों को जानते हैं, जहां मठ के चित्रों की बहाली में 40 साल तक का समय लग गया। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। हम अभी भी अनुसंधान के सबसे पहले चरण में हैं। ये चर्च पहली बार 1321 में बनाया गया था। 1400 ईस्वी में ट्यूटनिक ऑर्डर के राज्य में मूल रूप से कैथोलिक चर्च को बहाली के दौरान लूथरन मंदिर के रूप में बदल दिया गया। 1940 के दशक में नाजी जर्मनी की हार के बाद पूर्वी पर्शिया सोवियत कैलिनिनग्राद क्षेत्र बन गया। डोमनाउ को इसकी वर्तमान पहचान मिलने के बाद चर्च स्थानीय सामूहिक फॉर्म की संपत्ति बन गया। सोवियत संघ के दौरान चर्च को अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान चर्च का आंशिक नवीनीकरण किया गया और इसे संरक्षित किया गया। सोवियत संघ के पतन के बाद सही तरह से रखरखाव नहीं होने के कारण इमारत क्षतिग्रस्त होना शुरू हो गई। अब यह चर्च स्वयं सेवकों और पुनर्स्थापकों के हाथ में है और अब इसे ऐतिहासिक रूप से डोमनाउ चर्च के नाम से जाना जाता है। डोमनाउ के इस चर्च में पत्थर पर नक्काशी और पेरिशियन की पीढ़ियों द्वारा दीवारों पर लिखे गए विभिन्न भित्ति चित्र हैं। लगभग 1430 में निर्मित लिंडन की लकड़ी पोलैंड के एक संग्रहालय में संग्रहित है, लेकिन चर्च टावर के पूर्वी हिस्से पर बनी सीढ़ियों ने इसकी मूल सुंदरता को बरकरार रखा है। इसी के साथ खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।